हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बताएंगे आपको आलू हरा प्याज की सूखी सब्जी बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम जायकेदार रेसिपी लेके आते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। मैं सरसों का तेल यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। इसे बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा आपको। इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे, बिल्कुल सादे मसालों के साथ बनती है ये। इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, ये हरा प्याज का जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये उसको ऐड किया है मैंने। ये टोटल 500-600 ग्राम मैंने हरी प्याज ली थी, जिसका व्हाइट हिस्सा मैंने इसके अंदर काट के ऐड किया है। इसको मिला लेते हैं एक बार अच्छे से मिला के। इसके अंदर 2-3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे। अब इसको मिलाएंगे और मिला के इसको थोड़ा सा भुनेंगे हम। बिल्कुल सादे मसालों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई जरूर करना। इसको अच्छे से मिला लिया मैंने और लगभग इसको मैंने 1 मिनट पहले फ्राई करा है, 1 मिनट में इसको आलू के बाद फ्राई करूंगा। इसके अंदर हम आलू डालेंगे। ये मीडियम साइज के 4 आलू लिए थे मैंने, जिसको मैंने इस तरीके से काटा है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी तरीके से। इसको मिलाएंगे, मिला के हमें आलू को अच्छे से भूनना है। पहले से अच्छे से मिला लेते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है नमक, मिर्च आप स्वाद अनुसार रखें, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको मिलाएंगे और मिला के इसको भुनेंगे लगभग हम टोटल 2 मिनट। ये मसाले डालने से पहले मैंने आलू को 30-40 सेकंड भुना था और बाकी मैंने 1-1.5 मिनट से बाद में। और इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मीडियम साइज के मैंने 2 टमाटर लिए हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, इससे काफी अच्छा कलर आता है। और 1 चम्मच इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से। हरी प्याज सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप हरी प्याज की सब्जी इस तरीके से बनाइए और खाइए। देखिए थोड़ा तरीका चेंज करके और भी स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। अब इसको हम ढक के कुक करेंगे लगभग 4-5 मिनट तक। ये मैंने 5-6 मिनट इसको ढक के कुक किया है, जिससे आलू हमारे 70-80% तक आलू गल चुके हैं। ये देखिए आप, इसे एक बार देख लेते हैं कि नीचे तले में जला तो नहीं। ये देखिए, तो आलू हमारे 80-90% तक ये गल चुके हैं। इसके अंदर हम हरा प्याज ऐड करेंगे। ये 500 ग्राम मैंने हरा प्याज लिया था, इसका व्हाइट वाला हिस्सा हमने पहले यूज कर लिया और बाकी का हिस्सा हम अब यूज कर रहे हैं। इसका इस तरीके से काटा है, आप चाहे तो छोटे बड़े किसी भी तरीके से काट सकते हैं। इसको हल्का सा मिलाएंगे और मिला के इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया 1 कटोरी लिया था मैंने भर के, यानी कि थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया लिया है मैंने, क्योंकि हरा धनिया, हरा प्याज और आलू के साथ ये इतनी बढ़िया सब्जी बनती है कि आप एक बार अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप इस सब्जी को हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से मिला लिया मैंने इसको, अच्छे से मिला के टोटल 1 मिनट मैंने इसको भुना है इस तरीके से, अच्छे से मिला के 1-1.5 मिनट भुना होगा। अब इसको ढक के कुक करेंगे हम धीमी आंच पे 7-8 मिनट। देखिए आप, ये धीमी आंच पे मैंने 7-8 मिनट से ढक के कुक किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया। ये देखिए आप, आलू हरा प्याज की सूखी सब्जी एकदम खाने के लिए तैयार है। इसमें हमने पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया, ना ही कोई ज़्यादा मसाले यूज किए इसके अंदर। हम बिल्कुल सादे सिंपल मसालों के साथ बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इसको हमारे में बोलते हैं टिपन वाली सब्जी, कि फटाफट इसे बनाओ और फटाफट टिपन में पैक कर दो ऑफिस के लिए। ये उस टाइप की सब्जी है। तो देखिए आप कितनी बढ़िया तरीके से बन के आई है सूखी सब्जी, और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और हेल्दी होती है। आलू भी देखिए कितने अच्छे तरीके से गले हैं और ये सब्जी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखने में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी होगी ये। ये देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी दबाएं, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।